फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ज्योग्राफी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इस सब्जेक्ट का दोस्तों मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, आप वो ज़रूर से ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आपको डिफाइन करना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल को आपको परिभाषित करना है। एंड इलुस्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के उद्भव की आपको विवेचना करनी है। अथवा में जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, एंड क्लासीफाई देम विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। आर्थिक कार्यकलापों को परिभाषित करिए एंड अच्छे एग्जाम्पल उचित उदाहरण सहित आप उसको वर्गीकृत भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। कृषि कार्यकलापों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है ना, उसको कौन कौन सा फैक्टर्स उसको वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो सारी आपको बतानी है, ठीक है। एंड लोकेशन भी करती है तो आपको वो भी बतानी है। और में जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर के जो औद्योगिक अवस्थिति का जो सिद्धांत है आपको उस पर एक निबंध लिखना है। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये लगभग हर एग्ज़ाम में आपका आएगा, है ना, हर मतलब ये पेपर के हमेशा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आत्मनिर्वाह कृषि की विशेषताओं, प्रारूप और वितरण की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है यानी जो बस अपने खाने भर होता है ना, बस अपने लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, पैटर्न बताना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कभी कभी दोस्तों कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पे भी एक क्वेश्चन आता है, बस आपको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, पैटर्न पूछता है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, तीनों चीज़ें पूछते हैं लेकिन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का। और मुझे क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लोकेशनल फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं उनकी अवस्थिति का आपको कारक बताना है ना, और उसके वितरण का आपको व्याख्या करना है। एक क्वेश्चन एक बार आया था दोस्तों, मतलब उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी पूछा गया था कि क्या क्या लोकेशनल फैक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसी या फिर कोई भी इंडस्ट्री दे सकता है दोस्त ने, और कॉटन दिया है, कभी यहाँ पर आयरन एंड स्टील भी पूछ लेता है। फ्रेंड, जब आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देख लो, क्योंकि आपको उससे आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन पेपर देखने से ही पता चलेगा दोस्तों। सो पढ़ाई करने से पहले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेल एंड रोड नेटवर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आर्थिक विकास के लिए रेल और सड़क मार्गों के महत्व की उचित, है ना, उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो आपको रेल और रोड नेटवर्क का आपको यहाँ पे बताना है ना। कभी कभी रेल और सी नेटवर्क जो है उसका भी पूछ लिया जाता है ना, कि ये किस तरह से मतलब आर्थिक विकास में ये है ना आप सहायता कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है तो कच्चे माल ढोने हैं, फिर जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो उसको मार्केट तक ले जाने हैं, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। एंड ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है दोस्तों, रेल से होता है, रोड से होता है, सी से होता है, यही सब तो मोड्स है, तो वही यहाँ पर आपसे पूछा है। फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे।
और में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारूप को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की आपको विवेचना करने को यहाँ पर कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं भी दो पर। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है टेक्नोलॉजी पार्क, दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेच। दोस्तों सेच पे पहले भी है ना आपके शॉर्ट नोट आए हुए हैं, थी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इसरो पैन एंड फोर्थ है फिशिंग एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। हिंदी में अगर हम देखें तो तकनीकी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आइसोडोपेन और मत्स्य पालन एक प्रारंभिक कार्यकलाप। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।